नमस्कार, मैं हूं दिलीप जायसवाल। आप देख रहे हैं जनमंच खबर। आज कुशीनगर जनपद के मां नारायणी के स्थान पे पनियावा घाट पे हम लोग आज यहां खड़े हैं। जो पंडाल यहां सजा हुआ है मां नारायणी सामाजिक सेवा संस्थान भक्तों की तरफ से, आज ये पंडाल में यहां के युवा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत सारी संस्था के लोगों यहाँ उपस्थित हैं। आज हम बात करेंगे कि यहाँ शासन प्रशासन की क्या व्यवस्था है, सामाजिक सेवा संस्थान की क्या व्यवस्था है। यहाँ के कार्यकर्ता आज बताएंगे कि आज इस मेले में कौन कौन सी व्यवस्था है, किस किस चीज़ की कमियाँ हैं, यहाँ प्रशासन ने कौन सी व्यवस्था रखी है इस ठंड के मौसम में, सारी व्यवस्था बताएंगे। जी बताएं, आपका नाम? प्रभाकर पांडे। जी, तो आप बताएं कि इस मेले में शासन ने जो कहा था वह क्या व्यवस्था उपलब्ध हुआ है या नहीं, इस पर क्या कुछ बताएंगे? देखिए, हम मां नारायणी सामाजिक कुंभ आयोजन समिति के सदस्य हैं जी, और इस मां नारायणी के पावन तट पे यह जो आयोजन किया गया है जी, महीनों से हम सभी कार्यकर्ता, सभी नौजवान इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक करने के प्रयास में लगे हुए थे जी, और शासन और प्रशासन ने क्या अभी तक किया है और क्या नहीं किया है जी, हम सभी ने अभी तक उसका निरीक्षण नहीं किया। हम सभी अपने कार्यक्रम में लगे हुए थे। हम लोग का कार्यक्रम सब ठीक ठाक रहा, आज द्वितीय दिवस रहा, और आप देख सकते हैं पीछे ये जो आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती थी जी, मां नारायणी का एक आप देख रहे हैं फोटो, और उधर स्वामी विवेकानंद जी का और हनुमान जी का जी। इससे साफ हो जाता है कि मां नारायणी सामाजिक कुंभ का उद्देश्य युवाओं के अंदर राष्ट्रीयता और भक्ति और कृषि पर प्रदर्शनी, आप जाएंगे उधर देखेंगे, यह सोच हम लोग बाँट रहे हैं। लोगों की कमियाँ देखने की बजाय हम अपने तरफ से क्या प्रयास कर सकते हैं, क्या कुछ अच्छा कर सकते हैं, हम स्वयं को साबित करने में लगे हुए हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो आपने इस, क्योंकि आपका जो यह मंच है, एक मंच ऐसा है कि आप दुनिया को, राष्ट्र को दिखाते हैं, तो इस प्रयास को आपने लेने का प्रयास किया, इसके लिए आप की टीम और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जनमंच खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन जरूर दबाएं, खबरों को शेयर करना ना भूलें, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब, जुड़े रहें जनमंच खबर के साथ।